भाई यूज़ करते हैं बैक टू द वीडियो। तो कैसे मतलब बहुत दिन बाद वीडियो यूज़ हम लोग आ चुके हैं गाइस। तो वीडियो बहुत लेट से आ रहा है मुझे पता है, तो बहुत दिन से मैंने वीडियो डाला नहीं है। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने टाकी में। तो मेरा एक दोस्त आ चुका है लेने के लिए घर पे, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा एक और दोस्त के पास, फिर सब लोग चलेंगे। दो बाइक जाएगा, दोनों आर पे, बाद में अपना बुलेट नहीं ले रहा हूँ, तो साथ मिल के चलेंगे सीधा टाकी। और वहाँ पे है क्या एक एक्सक्लूसिव चीज़, वो है बांग्लादेश बॉर्डर। तो हम लोग बॉर्डर जाएंगे देखने के लिए, पता नहीं क्या है, तो आगे एक्सप्लोर करेंगे, देखते देखते आप लोग को पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो R15 वर्जन 2 में, जो मेरा फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक था भाई। बहुत दिन बाद वर्जन 2 में मजा आ रहा है। तो हमारे दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग वेट कर रहे थे हमारे दोस्तों के लिए, तो अभी फटाफट निकलेंगे। सो गाइस कितनी हंसी देख रहे हो सबकी, लेट्स गो। तो गाइस ये ऐसे रास्ते से लेके जा रहा है, लग रहा है मैं अभी यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। बाप रे बाप, रोड देखो भाई, गोबर पड़ा हुआ है और यहाँ लिंग भी है और यहाँ मंदिर भी है। अरे बाप रे बाप, और यहाँ पे भैंसा भी है। अच्छा खासा ऑफ रोड के बाद, खाना हजम होने के बाद, अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेन रास्ते से। तो राइट में देखते हैं, तो ये जो कॉलेज है और ये स्कूल भी है, ये है हेरिटेज कॉलेज एंड स्कूल। और यहाँ से आगे जाते हुए आप देख सकते हो लेफ्ट में जो ये रेड कलर की बिल्डिंग है, ये कोई सरकारी बिल्डिंग वल्डिंग है, उतना कुछ मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं है। तो बस जगह देखने में सुंदर है भाई, ये मेरे घर से बहुत ही पास है। तो अभी यहाँ से हम लोग को सीधा जाके फिर राइट लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मेन चौकी के पास, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं राइट और लेफ्ट जाता है भाई साइंस सिटी की तरफ, जो रहते हैं कोलकाता में, उन लोगों को पता है। तो राइट से भी अब जान लो कुछ हम लोग को जाना है सीधा, और लेफ्ट में देख सकते हो तो अब जो वो पहाड़ टाइप का दिख रहा है ना, वो पहाड़ है नहीं भाई, वो है डंप यार्ड। तो सारा जो कूड़ा होता है वो वही भी फेंका जाता है। तो गाइस इस पार्ट को स्किप ही मत कर रहे, तो अभी यहीं पर आता है जो है असली मोड़। तो यहाँ पे भाई इतना सुंदर रोड है, मैं अच्छे से बाइक को चला रहा था, 80-90, 100-80-90, 100 हम लोग जा ही रहे थे और मैं पूरा आनंद उठा रहा था। बहुत दिन बाद में बाहर निकला था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एक राइड करके, और ख़ास करके R15 चला के, क्योंकि ये मेरा जो है एक पहला बाइक। तो ये R15 मेरे पास बहुत दिन तक था, करीब करीब 1 से 1.5 साल तक। और ये यहाँ पे हम लोग पहले मीटअप किए हमारे गाय माता से, और फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। अभी मैं यहाँ पे 100 के ऊपर ही स्पीड है, 110, 105, 106, 100 से 110 के अंदर ही स्पीड रखा था मैंने, और हम लोग आराम से जा रहे थे। तो अचानक मुझे यहाँ पे दूर में दिखता है ना कि कुछ वहाँ पे गाय खड़ी हुई। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन कर दिया आप लोगों के लिए, और यहाँ पे गाय खड़ी हुई थी बहुत सारी। और यहाँ पे ये देखो भाई, मेरा यहाँ पे भाई स्टॉप ही उड़ गया था भाई पूरा, मैं भूल ही गया था इसमें ABS नहीं है, मेरा पूरा फट गया था भाई। अब दोबारा से रिप्लेस। तो गई ऐसा सीन होने के बाद फिर से मैं आ गया था आगे, और यहाँ पे मैं चेक करूँ मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं। और करते करते भाई ये जो आपको आगे देख रहा ना, तो इसको देख के आपको क्या याद आता है भाई, जो देखा ना फाइनल डेस्टिनेशन, मुझे उसका याद आ जाता है भाई, कि आग से रॉड घुस जाता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है भाई। तो मैं जैसे यहाँ से भाग गया आगे, और फिर यहाँ से मैं जा रहा था सीधा। और रोड भाई यहाँ का सबसे सुंदर है भाई, मस्त है। आप चारों तरफ का सिनेरियो देख सकते हो, यहाँ पे जो धुआं उठ रहा है ना भाई, वो ईंट पट्टी है, और वहाँ पे जो ईंट बनता है, ईंटा जो होता है ना भाई, जो घर बनाता है हम लोग ईंटा, तो वो वही बनता है। और यहाँ पे राइट में देखो आप लोग कितना सुंदर सा छोटा सा एक लेक है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ है एक ही तरह का। और भाई जगह बहुत सुंदर है, माँ का ऐसा आप लोग को प्यार हो जाएगा, मन करके साला वही रह जाए, आए ही नहीं इधर। तो ये यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं राजघराने तक, और यहाँ पे टाकी बॉर्डर तक भी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे बाइक पार्किंग करने में थोड़ा कसरत हो रहा था, और यहाँ पे अंकल को मैंने बोला गेट बंद कर लो, मैं गाड़ी ऊपर उठा लेता हूँ यहाँ से पहाड़ से। और यहाँ से मैं हल्के से पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए, फिर चढ़ा नहीं गया पीछे जाते हुए, फिर पहाड़ में हमने चढ़ाई कर ली कंप्लीट, और बाइक अपनी, तो बाइक तो हमने लगा दी यहाँ पे। तो पार्किंग में अभी ख़त्म होने के बाद भाई चाबी लगाने में भाई मुझे बहुत इशू होता है, और बाइक जो है लॉक हो ही नहीं रहा था, तो मुझसे भाई लॉक हुआ नहीं। तो मैंने जिसका बाइक है उसको बोला भाई तू लॉक कर ले, वो बोला कि भाई राइड में हैंडल घुमा दे और लॉक करते, लेकिन लॉक हो जाएगा। मैं राइड में हैंडल किया और मैं फिर चाबी घुमाने लगा,
और फिर भी जो है लॉक खो नहीं पा रहा था। मतलब बोला तू ही कर ले भाई, तेरा भाई के तू ही कर, मुझे छोड़ दे भाई। तो इस फाइनली हम लोग टाकी पहुंच चुके हैं। बहुत कंजेस्टेड गाड़ी चलाने के बाद इतना दिन बाद मैं राइड कर रहा हूँ, मेरा हाथ देखो पूरा लाल हो चुका है। तो अभी सीधा यहाँ से आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को नज़ारा सुंदर। तो वैसे असली जर्नी जो शुरू होता है यहीं से, तो यहीं पे है हम लोग का बाइक स्टैंड राइट में, देख सकते हो, और लेफ्ट में ये टाकी राजबाड़ी घाट। तो ये राजबाड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले यहाँ पे जो है राजाओं का राज था, तो इसलिए इसको राजबाड़ी का घाट बोला जाता है। तो राजा जो है अपना नाव मतलब उनका जो नाव वगैरह था तो वहीं से वो चलते थे, इधर उधर जाते आते थे। तो आगे दूर तक दिख रहा है वो बांग्लादेश बॉर्डर है और यहाँ पे भाई ये इंडिया का घाट है। तो इंडिया में यहाँ पे आप थोड़ा बस वही नाव जो आपको आगे जो नाव दिख रहा है ना भाई, तो यहाँ पे आप जाके उसको चढ़ सकते हो। तो बोट राइडिंग भी है, तो उसके लिए आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो बेकार है, उतना कुछ मज़ा हमको लगा। तो गाइस फाइनली हमें बहुत एक सुंदर सा प्लेस मिल चुका है यहाँ पे, जहाँ पे छाव है, क्योंकि आज भाई इतना धूप है, मेरा मुंह देख के समझ सकते हो पूरा यहाँ पे टैन पड़ चुका है। देखो भाई हालत पूरा ख़राब है, इतना भाई धूप था और क्या ही बोले, आज तो भाई बाल बाल बच गए मरने से। तो ये देख सकते हो वहाँ पे जितना दूर तक आपको दिख रहा है ना भाई, वो है बांग्लादेश साइड, उधर इस साइड इतना जूम आईफोन में होता है भाई, और उधर बांग्लादेश साइड है और इस साइड पूरा है इंडिया। हम लोग अभी खड़े हैं इंडिया के अंदर और देख सकते हो वहाँ से भाई कितना बड़ा है भाई जगह। जाने का तो मन कर रहा है उधर, मगर उधर जाने का परमिशन नहीं है अपने लोग के पास, तो अपन लोग उधर जा नहीं सकते। तो कितना पुराना एक पेड़ है यहाँ पे, जिसके ऊपर मतलब ये एक राजघराना हुआ करता था ये जगह पूरा साइड। तो जैसे राजघराना होता था ना पूरा, मतलब उस साइड उस तरह का ये दीवार है पूरा, और ईटा भी वही का है। बहुत पुराना बिल्डिंग था यहाँ पे एक राजघराने के लिए, तो ये पूरा साइड हुआ करता था। वो जो घर देख रहे हो आप लोग उधर इधर जो टूटा फूटा है, जहाँ पे हम लोगों ने बाइक रखा है, वो जो घर है वो भी राजघराने के अंदर ही आता था। तो अभी तो सब खत्म हो चुका है। तो गाइस इतनी गर्मी के अंदर हम लोग ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा लिए और यहाँ पे बिल्ली को भी आइसक्रीम खिलाते हुए वो भी मज़े से खा रही है। और यहाँ पे हम लोग फिर पहुँच चुके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना तो बकवास था ही, मतलब जो पैसा हम लोगों ने पे करा था 140 रुपये शायद कुछ लिया था, एक चिकन बिरयानी या फिर 120 रुपये कुछ, मुझे याद नहीं, उतना कुछ खास नहीं था। तो वहाँ से आगे आते हुए भी इतना सारा दुकान हम लोग को दिखा, हम लोग को पता ही नहीं था कि आगे इतना भी सारा दुकान यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे कितना लोग है भाई, कितने लोग है आप देख सकते हो। राइट में एक पार्क टाइप का है, लेफ्ट में भी एक पार्क टाइप का है, और यहाँ पे बहुत दुकान है भाई। तो आगे ही वो गेट पे आके खाना मत खा लेना, ठीक है, थोड़ा आगे आना आप लोग को। यहाँ पे देखना स्लाइड में देखो कितनी सारी दुकानें हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा दुकान मिलेगा। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगे हम लोग चलते जा रहे हैं साइड साइड पकड़ के, और ये जो है बॉर्डर साइड है। तो देख सकते हो जो है तार लगा हुआ है यहाँ पे, जो काटा तार बोला जाता है। और यहाँ से हम लोगों ने राइट ले लिया, हालांकि राइट हम लोग को जाने का परमिशन था नहीं, तो फिर भी हम लोग राइट चले गए क्योंकि हम लोग को पता नहीं था। तो इसके साइड जाते रहते हम लोग को इतना अच्छा सा व्यू दिखने लगा यहाँ पे, तो हम लोग मज़े से और भी चलते रहे आगे। तो आगे जाके हमको एक BSF मिले वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आगे जाना जो है मना है, तो इसीलिए हम लोगों ने आगे से अपना बाइक घुमा लिया था। तो अब देखो कितना सुंदर रास्ता है यार, कितना मज़ेदार जगह है जहाँ पे आप लोग अपना एंजॉय कर सकते हो। मतलब वो जगह में जाके ना आपको एक फील आएगा, एक अच्छा सा लगेगा, एक एहसास होगा। जो लोग मतलब कनेक्ट करते हैं मतलब नेचर से, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक मोड़ है जिसको बोला जाता है काइंड ऑफ, तो ये उधर से एक छोटा सा नाला होके फिर ये पानी जो है जमा हो रहा था यहाँ पे। तो अभी मेन मज़ा आता है बाइक घुमाने में, तो छोटा जगह है तो गाड़ी घुमाने में भाई तकलीफ तो होगा ही मतलब थोड़ा इधर होगा, बाइक सीधा नीचे देख ही सकते हो क्या ही हालत है। मतलब गाड़ी घुमाने में हम लोग का पूरा फट जा रहा है यार। हर एक ग्रुप में ऐसा बंदा होता है जो मतलब नेचर फोटोग्राफी मतलब करना चाहता है मगर हो नहीं पाता, उससे बहुत दुख लगता है मुझे, मगर ठीक है मैनेज कर लेंगे हम लोग। हर एक ग्रुप में आपको ऐसा बंदा मिलेगा जो कीड़े का फोटो उठाता है ऐसे पत्तों का आगे ले जाके ऐसे 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 फोटो लेता है। अब क्या ही करें हम लोग, कुछ कर नहीं सकते भाई। नज़ारा तो बहुत यहाँ पे सुंदर है, बहुत मस्त है, बहुत सही है, मगर रोड यहाँ पे बहुत खस्ता है भाई, थोड़ा वो देखो क्या करें भाई, हगने बैठा क्या वहाँ पे अरे फोटो उठा रहे। हम लोग यहाँ से आस्ते आस्ते चलेंगे घर की तरफ, और देखो इधर वाओ। आई इस पंछियों को देखो, पंछियों को देखो
भाई साहब ये देखो अलग 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 शेप हो रहा है भाई। तो गाइज अभी शाम यहाँ पे फाइनली हो चुका है और हम लोग जा ही रहे, तो आप लोग देखो कि रास्ते पे कितना अंधेरा धीरे धीरे होते जा रहा है भाई। और इसके बाइक का जो हेडलाइट है वो इतना बकवास है, इतना बकवास है, वो कुछ दिख रहा है, देखो पूरा अंधेरा है भाई। हम लोग जहाँ से जा रहे हैं पूरा अंधेरा, हम लोग दूसरे जो आगे जो गाड़ी जा रहा है उसके सहारे हम लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा भाई रोड में मुझे, कुछ नहीं दिख रहा। अब तो छोड़ो, अब क्या ही बताओ, इसका हॉर्न भी काम नहीं कर रहा था, मतलब मैं क्या बोलूँ, अंधेरे में निशाना लगाते हुए आगे बाइक चला रहा था। और इतने में खुद आता है मेरा कैमरा बंद, बैटरी ख़त्म, बाय बाय।